नमस्ते, आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी एट एम्ब्री हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आउ मु डील करूची ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी इनफर्टिलिटी आईवीएफ आउ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी रे। तो आज आम डिस्कस करिबा गोटे इम्पोर्टेंट कंडीशन जोटा कि यंग एज रे एडोलेसेंट्स रे बहुत कॉमन प्रॉब्लम अच्छी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कौन कौन अच्छी, एटा पेरेंट्स मानकु आ प्लस से एडोलेसेंट यंग झियो मानकु भी जानिबा जरूरी अच्छी। कहीं यही सब जिनस बहुत सारा मिसकनसेप्शन अच्छी कि कौटा जिनस नॉर्मल अच्छी कौटा एबनॉर्मल अच्छी केबे कंसल्ट करिबार अच्छी, तो सेथिपाई कि गोटे बेसिक नॉलेज हवा बहुत जरूरी अच्छी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल केमती हुए से टाइम रे आउ को कंडीशन रे आपण माने कंसल्ट करिवे कि अलर्ट रहिवे कि ए जिंस हेले आमको कंसल्ट करबा दरकार अच्छी। तो एबे गोटे तो इम्पोर्टेंट जिंस अच्छी कि ए सब जिंस रो एजुकेशन स्कूल रो स्टार्ट हवा जरूरी अच्छी। स्कूल रे गोटे करिकुलम हबार अच्छी जो थे बेसिक नॉलेज कि को एज रे आपणकर मेंस्ट्रुएशन कि प्यूबर्टी रो जो चेंजेस हुए से एज रे सेटा को टाइम रे डेवलप हेले सेटा नॉर्मल अच्छी को टाइम रे डेवलप हेले सेटा एबनॉर्मल अच्छी आउ कौन कौन ता भितर चेंजेस हुए सेटा केमती प्रोग्रेस करे से सब जदि स्कूल रु ही एजुकेशन रे ही स्टार्टिंग रु पढ़ा जाए तो झियो मानको आउ इवन पुओ मानको भी से जिंसटा जानिले दे कैन रिस्पेक्ट एंड हेल्प गर्ल्स आल्सो कि केमती से जिंसटा को डील करिवार अछि। प्लस पेरेंट्स मानको भी ओपनली ए सब जिंस निजरो पिला मानको संगे डिस्कस करिवे सो दैट झियो माने डरी कि बहुत सारा जिंस अछि जोटा डिस्क्लोज करंतिनी मां मानको। तो जदि मां मानको भी टिके नॉलेज अछि तो से माने ए सब जिंस बिषयरे निजरो झियो मानको संगे डिस्कस करिले से भी ओपनली तांकर प्रॉब्लम्स मदर्स मानको संगे शेयर करि परिवे। तो एबे इंपोर्टेंट अछि हमकु जानिबा कि जो मेंस्ट्रुएशन होउछि कि पीरियड्स स्टार्ट होउछि सेटा को एज रे स्टार्ट हबा कथा आउ को एज रे जदि स्टार्ट न हला कि जल्दी हे गला तो प्रॉब्लम अछि। तो जनरली जो मेंस्ट्रुअल एज अछि सेटा 11 रु 14 वर्ष एज रे जो फर्स्ट पीरियड्स टा अछि से ड्यूरेशन भितरे स्टार्ट हुए। आजिकल तार एज टा टिके जल्दी हे जाइछि, आजिकल बहुत सारा यंग फीमेल्स अछंती आम पाखरे आछंती जो मानकर पीरियड बहुत जल्दी स्टार्ट हे जाय, 10 वर्ष भितरे तांकर पीरियड स्टार्ट हे जाउछि। सेटा बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस पई आमर लिविंग लाइफस्टाइल पई फूड हैबिट्स पई एनवायरनमेंट पई पोल्यूशन पई आउ बहुत सारा जो फर्टिलाइजर्स आमर खाद्य भितर आसुची से सब जिंस पई ए सब मेंस्ट्रुएशन जोटा अछि तारो एजटा टिके जल्दी हे जाउची। बट आपण मानको अलर्ट रहिबार अछि कि जदि सेई जिंसटा आउ भी जल्दी हला 8 इयर्स छुआरो एज जदि 8 वर्ष भी हेइनी आउ ता पूर्वरु आपण माने देखुचंती कि तारो बॉडी रे चेंजेस आसुची ब्रेस्ट डेवलपमेंट होउची। कहीं जनरली फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी जोटा आम कहूँ प्रथम साइन है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, थोड़े ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हम तार वर्षे दि वर्ष पर जनरली पीरियड्सटा स्टार्ट हो जाए। जदि आपण मैंने देखुं कि 8 वर्ष पूर्वर ही ये सब जिनस स्टार्ट हो गला ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो देर इज अ चान्स कि पीरियड्सटा टी जल्दी आसीपे से सिचुएशन रे आपण कनसल्ट करें बेटर हम ताकू आम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहूँ से प्यूबर्टीटा जोटा कि एडवांस जल्दी स्टार्ट हो जाए। एबे जल्दी स्टार्ट हेले प्रॉब्लम कौन अच्छी जल्दी स्टार्ट हेले जो प्रॉपर डेवलपमेंट अच्छी बॉडी रो कि हाइट प्रॉपर हाइट जोटा गेन करिवार अच्छी फीमेल्स मानको बोन डेवलपमेंट ए गुड़ा प्रॉपर जदि प्रॉपर एज रे अपन करो प्यूबर्टी न स्टार्ट हला तो ए गुड़ा डिले हे पारे। प्लस सेति पई कि हाइट अटेनमेंट प्रॉपर हाइट जियो मानकर हे पारुनी बिकॉज ऑफ जल्दी जोटा पीरियड्स टा जल्दी आस जाउची सेति पई कि ता परे देयर इज अ सर्टेन एज अप टू व्हिच आमे एक्सपेक्ट करूची कि पीरियड आसी जीवा कथा सेटा हला 14 टू 16 इयर्स। तो जदि आपणकर 16 इयर्स पर्यंत भी झियो मानकर जो झियो मानकर पीरियड्स आसुने तो डेफिनेटली किछ ना किछ प्रॉब्लम अछि। 14 इयर्स रे एटलीस्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हे जीवा कथा, जदि 14 इयर्स रे ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी स्टार्ट हेनी तो आमे सस्पेक्ट करूचु कि किछ प्रॉब्लम हे पारे। तो मैक्सिमम आपण माने 16 वर्ष पर्यंत वेट करि परिबे किंतु ता परे भी जदि पीरियड स्टार्ट होउनी तो किछ ना किछ प्रॉब्लम थाए जहारो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रीटमेंट दरकार पड़े। तो सेही सिचुएशन रे भी आपण निजरो गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिबे। एबे बहुत सारा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स अछि जोटा सेही एज रे हुए
जनरली जो पीरियड स्टार्ट हुए इनिशियल 2-3 इयर्स पीरियड्सटा बहुत इरेग्युलर हुए। जनरली माँ मैंने कहे कि सेटा पीरियड्स हुए ही नहीं, थरे आसला तापर बर्षे बंद हो गला, तो ता भितरे बेसी आपण मानको चिंता करबा कथा नाही। काहेकि इनिशियल 1-2 इयर्स रे से मैच्योरिटी होचे हार्मोन्स रो, सेइ टाइम रे टिके 2 इयर्स पर्यंत पीरियड्स इरेग्युलर हे पारे, 2-3 मंथ्स गैप रे आसी पारे, तो ता भितरे बेसी चिंता न करबा कथा नाही। काहेकि सेटा आपे आपे आफ्टर 2-3 इयर्स रेगुलर साइकल्स रे कन्वर्ट हे जिवो। किंतु जदी तांको पीरियड इरेग्युलर संगरे ब्लीडिंग बहुत बेसी होचे सही सिचुएशन रे आपण माने कंसल्ट करी परिबे, काहे कि बहुत हेवी ब्लीडिंग हेले तापे आउ भी बहुत सारा कॉजेस थाए कि कौन पे बहुत हेवी ब्लीडिंग होउची, किछि ब्लड क्लॉटिंग रे प्रॉब्लम हे पारे, कि तांकर हार्मोन्स बहुत बेसी इनबैलेंस हे पारे, तो तार ट्रीटमेंट नेसेसरी अछि, नहले तांकर रक्त बहुत कम हे जीव देह रे, आउ से माने इनकर डेली प्रॉब्लम सब वीकनेस लागिबो, लेथार्जिक लागिबो, पाठ पढ़ी परिबेनी, तो ए सब सिचुएशन रे कंसल्ट करिबे। कि नॉर्मल टिके टिके पेन पीरियड्स टाइम रे नॉर्मली सबू फीमेल्स मानू हुए, किंतु जदि सेटा बहुत एक्सेस पेन होची पीरियड टाइम रे तांकु, जदि से माने कंसंट्रेट करि परु नहंती पाठ रे, तो सेही सिचुएशन रे भी आपण माने कंसल्ट करिवे। तो एही सबू हैला छोट छोट टिप्स जोटा आपण मानू देखिवार अछि, ध्यान रे रखिवार अछि कि एही सबू जिनसो प्रॉब्लम हेले आपण माने कंसल्ट करिवे, आ एही सबू जिनसो आगरु डिस्कस करिवे पिला मानक संगरे, सो दैट से माने भी अलर्ट अछंती कि केबे तांकु कहिवार अछि कि प्रॉब्लम्स होउछि।